नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला लाइव। और ये जो स्क्रीन पर आपको मैप नजर आ रहा है, ये पूर्वांचल का मैप है। जो ये नीचे वाला एरिया आप अपने इस पे देख रहे हैं, इस मैप में अचानक से रंग बदल चुका है। पहले ये भगवा कलर की ज्यादा सीटें होती थी, बीजेपी और उसके अलायंसेस जो होते थे उनका रंग ज्यादा गहरा था इस मैप पर। और अब देखिए लाल कलर सपा का है जो ज्यादा उभर कर आ रहा है। तो आज हम वाराणसी के अपने न्यूज रूम में जुटे हैं इस पूर्वांचल के रिजल्ट पर डिस्कशन करने के लिए। और मेरे साथ मेरे तीन और साथी भी हैं, और हम लोग इन्हीं बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इन 13 सीटों पर ऐसे क्या वजह रही, किस तरह से पैटर्न रहा कि जिसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है, जो नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। अब अगले एक घंटे में और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन तब तक के जो नतीजे हैं उसमें ये मेजरली आ रहा है कि एक वाराणसी और भदोही की सीट हम अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगह पर या तो नेक टू नेक है या फिर समाजवादी पार्टी आगे है। तो उनमें से 3 सीटें बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि 3 सीटों पे भाजपा के 2 केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। और बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर भी जो फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं, वो फैक्टर्स में एक सबसे ज़्यादा अहम जो मुद्दे हैं उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो विपक्ष ने अपना प्रचार किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी भाजपा, या फिर जो पेपर लीक को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है, या फिर तीसरा अग्निवीर, क्योंकि पूर्वांचल की इन सीटों पे सैनिकों की बहुत बड़ी तादाद है तो उसको लेकर अग्निवीर का जो मुद्दा है, इस तरह के जो मुद्दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज़ रही है वो ये रही है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने कैंडिडेट्स चुने हैं। उनका जो जाति का गणित है वो बहुत ज़्यादा फिट बैठा है इस बार चुनावों में। पूर्वांचल ने बता दिया है कि उनकी राजनीति जो है पूर्वांचल की वो सबसे ज़्यादा जातियों पर ही फोकस करती है। अब किस तरह से दिग्गजों ने परफॉर्म किया है उस पर और बात करने के लिए संतोष जी को मैं माइक दिलाऊंगी। पूर्वांचल के नतीजे भाजपा के लिए अप्रत्याशित हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम दिख रहा है। पिछले सालों में जो 2014-2019 में लगातार इनके मार्जिन बढ़े थे, आप जो पहले चरण दूसरे चरण की मतगणना हुई थी उसमें पीछे थे अजय राय से। इसी तरह से और भी जो दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वो पीछे चल रहे हैं, उनके लगभग हारने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल वो भी पीछे चल रही थी, बहुत 26 राउंड तक आसपास से पीछे चली हैं, अब वो 24,000 से आगे हुई हैं। और भी जो दिग्गज पूर्वांचल के थे, आपके जो है कृपा शंकर सिंह जो है उतारे गए थे, वो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका भी चुनाव खराब हो गया है, वो भी चुनाव हार चुके हैं लगभग लगभग। और इसी तरह से और भी सीटें हैं जिन पे भाजपा के जो समीकरण थे वो काम नहीं किए हैं। सपा ने जो अपने कैंडिडेट दिए थे वो जाति और सामाजिक समीकरण के हिसाब से अच्छे दिए थे, इसका खामियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ा है। अब राहुल जी आपको बताएंगे जातियों का क्या समीकरण बना। भले राजनीतिक मंचों से या जो बड़े ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं चुनाव आयोग में, वो लोग लगातार कहते हैं कि हमें जाति पर मतदान नहीं करना, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता है और मतदान करने तक सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो जाति का ही फैक्टर रहता है। इस चुनाव में भी पूर्वांचल में जाति का फैक्टर बहुत अहम रहा। हम अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में करीब 2.5 से 3 लाख यादव वोट है, SC वोट की संख्या अच्छी खासी है, अलग अलग विधानसभा बार में जो है कहीं कायस्थ वोट ज़्यादा हैं तो कहीं पर जो है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। ये मतदान अजय राय के पक्ष में जमकर हुआ, इसका प्रमाण है कि अजय राय पिछले 3 चुनाव से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पहले 2014 का चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है, मात्र 70,000 वोट पाते हैं। 2019 में चुनाव लड़ते हैं तो मात्र जो है 1,50,000 कुछ वोट पाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। अभी कुछ देर पहले करीब 4.25 के आसपास तक 27 राउंड की गणना हो चुकी है और अजय राय 4.5 लाख वोट पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि वाराणसी सीट पर जो यादव और SC वोट और जो भूमियार वोट है वो अच्छी खासी तादाद में अजय राय के पक्ष में गया है, क्योंकि जो बाकी वोट है कायस्थ वोट जोड़ लें या अन्य वोट जोड़ लें वही लगता है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में उसका मतदान हुआ है। इसी तरीके से आजमगढ़ सीट आप देखें तो आजमगढ़ सीट में करीब 42% जो है MY फैक्टर रहता है, मुस्लिम और यादव मतदाता, और वो मतदान के समय भी दिखा और आज मतगणना में भी उसका असर साफ दिखाई दिया कि करीब 1 लाख वोट से अभी तक जो है आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बाकी की जो सीटें हैं, चाहे वो लालगंज है, मछलीशहर है, वो सुरक्षित सीटें हैं पहले से ही। इसी तरीके से चंदौली और मिर्जापुर में जो है OBC वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में है और
उसका असर ये दिखा कि अनुप्रिया पटेल इस बार लगातार जो है पिछड़ती रही। अभी पिछले दो तीन राउंड में लगभग 20-21 राउंड के बाद आके जो है उनका चुनाव थोड़ा सा संभला है, नहीं तो एक समय लगा कि उनके हाथ से चुनाव फिसल रहा है। जौनपुर में हम देखेंगे तो जौनपुर में भी जो है जाति गली बहुत हावी रहता है। भले धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन दिया लेकिन उस समर्थन का कोई असर जौनपुर की सीट पर तो कम से कम नहीं दिखा, क्योंकि कृपा शंकर सिंह अच्छा खासा चुनाव उनका पीछे चल रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हैं, और मौर्या वोटों की संख्या जौनपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा है। उसका सीधा फायदा भी दिखा कि बाबू सिंह कुशवाहा शुरू से लीड बनाए हुए हैं। तो पूर्वांचल में जातीय गणित तो हर लोकसभा में फिट बहुत बैठता है, पूर्वांचल में जातीय और हावी रहता है। गाजीपुर तो कहा ही जाता है कि गाजीपुर में चुनावी जातियां लड़ती हैं। तो इस तरीके से पूरा लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी ने जातियों का संतुलन बनाया उसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन को मिला है। माफिया की राजनीति कैसे खत्म हुई इस पर हम लोग बात करेंगे अपने सहयोगी पुष्पेन जी से, तो आपको बताएंगे माफिया राजनीति इस लोकसभा चुनाव में कैसे इस पूरे चुनाव से दूर रही। पूर्वांचल की राजनीति चाहे वो नगर निकाय की हो, चाहे ग्राम पंचायत की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, यहाँ जात और बाहुबल ये दो ऐसे तत्व हैं जो हर चुनाव में साथ रहते हैं। लेकिन पहला ये 90 के दशक के बाद ये पहला एक ऐसा लोकसभा का चुनाव है जहाँ न माफिया कोई प्रत्याशी है, न कोई माफिया किंग मेकर के तौर पर खुद को स्थापित कर पाया। जौनपुर में अभी हाल में जेल से जमानत पर छूटे बाहुबली धनंजय सिंह, पहले उनकी पत्नी बसपा से चुनाव मैदान में थी, फिर ऐन वक्त पर वो अपना पैर वापस खींच ली, फिर भाजपा ने धनंजय सिंह ने कहा कि वो भाजपा का समर्थन करेंगे, लेकिन धनंजय सिंह के समर्थन के बाद भी जो है कृपा शंकर सिंह लगातार दूसरे नंबर पर जौनपुर में बने हुए हैं। मछली शहर में भी सपा की प्रिया सरोज आगे हैं और भाजपा के दिग्गज बीपी सरोज दूसरे नंबर पे है। इस तरह से जौनपुर जिला दो लोकसभा क्षेत्र वाला है, लेकिन वहाँ किसी भी तरह से जो है तो धनंजय सिंह को और धनंजय सिंह की बातों को जनता स्वीकार नहीं की। गाजीपुर एक शुरू से जो है 80 के लगभग से जो है तो माफिया की राजनीति वाला, उससे प्रभाव वाला जो है तो जनपद कहा जाता था। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस धरती पर नहीं है, इसके बावजूद जो है वहाँ गाजीपुर में इस बार किसी भी तरह का बाहुबल देखने को नहीं मिला। अफजाल अंसारी उनके भाई जरूर हैं, लेकिन अफजाल अंसारी की एक अपनी अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। वो 5 बार से विधायक हैं रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, तो एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा चंदौली में और बनारस में हमने हाल में कुछ वीडियोज देखे जिसमें कुछ माफिया से माननी बने लोग जो है चुनाव प्रचार करते देखे गए, लेकिन वह भी जो है चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पक्ष में हवा नहीं बना सके और महेंद्र नाथ पांडे का लगभग हारना तय हो चुका है, या माना जाए तो मतलब सपा प्रत्याशी जिस तरह से 20,000 की लीड लगातार बनाए हुए हैं तो उससे लग रहा है। तो यह भी यहाँ भी जो माफिया से माननी जो बनने के प्रयास में थे और जो इन दिनों सफेद कुर्ता पजामा पहन के टहल रहे थे उनको भी जनता ने खारिज कर दिया है। इसी तरह हम आजमगढ़ में यादव बंधुओं को देखें तो रमाकांत और उमाकांत दोनों भाइयों का इस लोकसभा चुनाव में न आजमगढ़ में न क्या कहते हैं लालगंज में दोनों सीटों पर कहीं उनका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।